खबर है चिमूर तहसील से, जहां जामा मस्जिद चिमूर में दान पेटी में रखे रुपयों की चोरी का मामला प्रकाश में आया और चिमूर पुलिस ने लगभग एक घंटे के भीतर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। वह किस प्रकार, देखते हैं इस खबर में। चिमूर के जामा मस्जिद में हुई चोरी के मामले का पर्दाफाश पुलिस ने तकरीबन एक घंटे के भीतर किया। इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी यह है कि दिनांक 1 सितंबर को रात को 10 बजे के दरमियान जामा मस्जिद चिमूर के इमाम अनीस जमील शेख घर से भोजन कर मस्जिद का लाइट बंद करने के लिए मस्जिद की ओर आए। उसी दरमियान मस्जिद के सामने एक टाटा इंडिगो कंपनी की सिल्वर रंग की एक फोर व्हीलर वाहन उन्हें खड़ी दिखाई दी और मस्जिद के अंदर की लाइट शुरू होने से वे उसे बंद करने के लिए जब मस्जिद के अंदर प्रवेश किए तो उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति वहां पर दिखाई दिया और इमाम को देखते ही वो मस्जिद के बाहर खड़ी फोर व्हीलर में बैठकर भाग गया। इमाम ने इस संबंध में तत्काल जानकारी पुलिस स्टेशन चिमूर को फोन द्वारा दी और जब इमाम ने दान पेटी की जाँच की तो जहाँ पर दान पेटी रहती थी वह वहाँ पर मौजूद नहीं थी, उसे अन्य स्थान पर रखा गया था और उसमें से तकरीबन 2000 से 2500 रुपए की चोरी होने की बात सामने आई। और इस संबंध में चिमूर पुलिस को जानकारी मिलते ही उन्होंने बड़ी तेजी से आरोपी को पकड़ने के लिए अपने जांच के चक्र घुमाए और शंकरपुर पुलिस को तुरंत इस संबंध में सूचना दी गई और शंकरपुर पुलिस ने तुरंत वहां पर नाकाबंदी की और जिस दिशा की ओर आरोपी फरार हुआ था उस दिशा की ओर सहायक पुलिस निरीक्षक मंगेश मोहड़, पुलिस उप निरीक्षक अलीम शेख, सहायक पुलिस उप निरीक्षक विलास सोनोले, हवलदार विलास निमगढ़े, नाईक पुलिस अमलदार कैलाश आलम के साथ सचिन खामनकर, शैलेश मड़ावी, सतीश झिल्पे के साथ वाहन चालक अमलदार शरीफ शेख अपना वाहन लेकर आरोपी का पीछा किया। अरविंद शंकरपुर पुलिस चौकी की मदद से एक घंटे के भीतर आरोपी को कब्जे में लिया। आरोपी के विरुद्ध पुलिस स्टेशन चिमूर में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस निरीक्षक मनोज गम ने थानेदार पुलिस स्टेशन चिमूर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक सुशील कुमार सोनो ने इस मामले की जाँच कर रहे हैं। साथ ही इस पूरे घटना के संबंध में पुलिस उप निरीक्षक सुशील कुमार सोनो ने मीडिया को जानकारी दी। काल रात्री जामा मस्जिद चिमूर इथे चोरी झाली त्याबाबत पोस्टला माहिती मिळतात लगेच थानेदार गबने सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपुनी मंगेश मोहड सर, PSI शेख सर आणि संपूर्ण पोलीस स्टाफ त्या गाडीचा पाठलाग करण्याकरता शंकरपूरच्या दिशेने आणि शंकरपूर पोलीस चौकीला माहिती देऊन शंकरपूर पोलीस चौकीवाल्यांनी नाकाबंदी केली होती। तर त्यांनी नाकाबंदी केल्यामुळे आमचा पोलीस स्टाफ लगेच गाडीचा पाठलाग करत शंकरपूर दिशेने निघाला। शंकरपूरच्या पोलीससोबत API मोहड साहेब हे कॉन्टॅक्टमध्ये होते। लगेच त्यांनी जशी गाडी पोहोचली शंकरपूरला तसे त्यांनी ताब्यात घेतली। आम्ही लगेच आमचा पूर्ण पोलीस स्टाफ तिथं लगेच पोहोचला आणि आरोपीला ताब्यात घेतले। गाडीसह गाडीची झडती घेतली असता गाडीमध्ये 2250 रुपये मिळाले। आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले, आरोपीला अटक करण्यात आली आणि आज रोजी आरोपीचा MCR करण्यात आला। आरोपीचा MCR करून पुढील तपास चालू आहे। CTV के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि जगदीश पेन्नाम के साथ बालू सातपुते की रिपोर्ट।